जैन दोस्तों, कई बार मुझे बहुत ताजुब होता है कि हमारे देश का जो मीडिया है वो उन खबरों को नहीं दिखाता, रियल हीरोज की खबरों को नहीं दिखाता, बल्कि रियल हीरोज की खबरें मिल जाएं तो उसके पीछे पड़ जाता है हाथ धो के। मान कि पंजाब के सिद्धू मूसेवाला की जो है हत्या कर दी गई, उसके बाद तमाम सुबह शाम दिन रात वही खबरें चल रही हैं। लेकिन एक और हमारे देश के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, वो भी लद्दाख में एक बस के गिरा दिए जाने से। पहले खबर ये थी कि बस जो है खाई में गिर गई, नदी में गिर गई और वीरों की जान चली गई, लेकिन तफ्तीश के बाद अगले दिन 28 तारीख को ये पता चला कि वो जो बस पलटी है उसका जो ड्राइवर था, उसने जब बस को नीचे गिराई थी तो बस से कूद गया, उसकी जान बच गई, वो भाग गया और हमारे 26 जवानों को ले जा रही बस नदी में गिर जाती है और उसमें से 7 जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। सबसे पहले आपको एक खबर मैंने सुनाई थी, बहुत प्राउड होता है इस बात का कि अपने इस चैनल के माध्यम से अपने शूरवीरों की गाथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद फिर जो है खुलासा होता है अगले दिन, जब होश में आते हैं जवान और थोड़ा यहाँ वहाँ देखते हैं, उनको पता चलता है कि यार अभी हम हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, अचानक बस गिरी थी। तो जो लोग ठीक ठाक थे जो उस पूरे दृश्य को देख रहे थे, वो बताते हैं कि ड्राइवर जो है कई बार टेढ़ी मेढ़ी बस चला रहा था, उसके बाद जब बस गिर रही थी उनको इतना पता है कि वो ड्राइवर जो था साइड से जंप लेके भाग गया और बस हमारी नीचे गिर गई। कहाँ का ये मामला था? पूरा ये मामला था लद्दाख का आर्मी ट्रांजिट कैंप से जो है प्रतापपुर ये बस जा रही थी, प्राइवेट बस को हायर किया गया था, तभी बस नीचे गिरती है सोन नदी में। सोचिए कितना ऊंची हाइट से, आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कितनी ऊंची हाइट से बस नीचे गिरी है, क्या हालत इस बस की होगी, तो आप अंदाजा लगाइए उन जवानों पर क्या बीती होगी। लेकिन ये हमारे देश के जवान जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके चलते हैं, मैं देखता हूँ कि न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। भारतीय सेना के जवान मर गए हादसे में, उनकी मौत। अब बेवकूफों, तुम्हें मौत में और वीरगति में मतलब ही नहीं पता? ऑन ड्यूटी जब भी कोई जवान ऐसे अपने प्राण त्यागता है, चाहे दुर्घटना में या किसी और तरीके से, मौसम खराबी से या किसी और तरीके से, तो उसको वीरगति का दर्जा प्राप्त होता है। पहले सीख लो तुम लोग, ये हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, ना कि उस शब्द को जो तुम लोग बार बार दोहरा रहे हो और मेरे कानों में वो चोट मारता है, मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारे जो शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनका भी मैं आपसे परिचय कराता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो ड्राइवर था, इस ड्राइवर का नाम बताया गया अहमद शाह, इसके ऊपर FIR कर ली गई है 337A, 304A और 279IPC की धारा के तहत। लेकिन कमाल की बात यह है कि गाड़ी का फिटनेस भी नहीं था और किस हालत में बस थी, तो किसने अलाउ किया ऐसी बस में हमारे जवानों को ले जाने के लिए। ये फरार चल रहा है, इसके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। इसके मालिक से जब बात की गई तो इसके मालिक ने बताया कि ये जो ड्राइवर था ये कश्मीर का लोकल रेजिडेंट था, और बाद में जब जांच की तो पता चला कि इस बस का जो परमिट था वो तो 3 साल पहले ख़त्म हो गया है। तो परमिट ख़राब बस को कैसे सेना ने अनुमति दे दी अपने शूरवीरों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने की? मुझे लगता है कि अब वॉर सिर्फ सरहदों पर नहीं रह गया है, आर पार बंदूकों का, हथियारों का नहीं रह गया है, एक बड़ी ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी के तहत जो वॉरफेयर चल रहा है जिसमें शायद ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। तो जितने भी अधिकारी हैं आर्मी के, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, लोकल वहाँ पे पुलिस के, तो आप इस बात का ध्यान रखें आप किस बंदे से बस हायर कर रहे हैं, किसकी गाड़ी लेके जा रहे हैं, कौन से रास्ते से जा रही है, पहले एफिडेविट साइन करा लें। यदि जवानों को कुछ हुआ तो तेरी पूरी कंपनी में ताला और ज़िंदगी भर के लिए तेरे को जेल तो होगी होगी, साथ ही साथ उसे करोड़ों का बॉन्ड भरवा लें ताकि इन परिवारों को एडवांस में ही वो पे कर दे। इतनी औकात किसी की ना हो तो उसको गाड़ी ना दें। तो आप सोचिए कहीं आतंकी साजिश तो नहीं है कि वहाँ पे लोकल इस टाइप के मानसिकता वाले लोगों को ट्रेन करें, उनको इस तरीके से लगाएं कि जैसे ही कोई आर्मी वाला बस को मांग के ले जाए उसको खाई में गिरा दो। ये कौन सा तरीका है? अभी ये पहला किस्सा नहीं है, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय में काफ़ी सारी ऐसी दुर्घटनाएँ हुई हैं, काफ़ी सारे जवान हमारे जो है अचानक से बीमार हो गए हैं और उन्हें दम तोड़ दिया है। तो जो भी कैंटीन और फूड सप्लाई वाले लोग हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि लोकल राशन वो किससे ले रहे हैं, कौन है देने वाला, क्या उसका बैकग्राउंड। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लेके आ रहे हैं और शाम को वहाँ पे तंदूर चल रहा है और जवान हमारे कुछ किसी के साथ हादसा हो रहा है। ये मेरी पर्सनल एक राय है, मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करें और आला अधिकारियों तक इसको पहुँचाएं ताकि इस बात पे संज्ञान लिया जाए और इन बातों का भी ध्यान रखा जाए, शायद इन बातों पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। तो 7 वीरगति को जो जवान जो प्राप्त हुए उनके नाम मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। एक हमारे जवान हैं ये शिंदे विजय साहब, शिंदे विजय राव सूबेदार साहब, एक नायब सूबेदार गुरदयाल साहू जी हैं, एक ये जो है
एक हवलदार मोहम्मद सैजल भाई हैं, ना एक संदीप कुमार हैं, उसके अलावा ना एक जाधव प्रशांत शिवाजी भाई हैं, ना एक राम अनवित कुमार भाई हैं, और लांस नायक बप्पीदित्य खुटियन का नाम है। तो हम अपने सभी भाइयों को, सभी शूरवीरों को प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु हमारे इन सभी भाइयों की आत्मा को शांति दे और उनके इस परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दे, और जो भी लोग देश में रखे दी जानपुर से गद्दारी कर रहे हैं तो उनको सलाखों के पीछे जल्द से जल्द डाला जाए और ऐसा हर्ष किया जाए कि आने वाली पीढ़ियाँ इन आतंकियों की हमेशा से याद रखें। मैं एक बार और याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे आला अधिकारियों के, यूएन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से जो है आते हुए भारतीय सरहद पार करते हुए कश्मीर को बड़ा टारगेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है आतंकियों के द्वारा। यूएन की रिपोर्ट नंबर 13 के मुताबिक अलकायदा और ISIS कश्मीर को दहलाने की प्लानिंग में है, तो ये भी उसका छोटा सा हिस्सा हो सकता है। तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हमारे इंटेलिजेंस को भी और सभी आला अधिकारी, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हों, फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के हों, या फिर खासतौर पे RR की डेपुटेशन और वहाँ की लोकल पुलिस। एक और आपने ये मंजर देखा किस तरीके से ये विकृत मानसिकता के लोग इस टाइप की हरकतें करने पे उतर आए हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे एक शेर भाई, देश का सच्चा सिपाही मुदस्सिर अहमद शेख, नौजवान वीर गति को प्राप्त हो गया आतंकियों को ढेर करते हुए, अपने प्राण नछावर कर दिए भारत माता के नाम पे। और मरने से कुछ दिनों, 2-3 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो शूट किया था इस गाने के साथ, पहले इसको सुनिए, कॉपीराइट लगता है, आई डोंट केयर, सुनिए जरा इसको, फिर आगे बात करते हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। तो सुना आपने मुदस्सिर भाई का जज्बा अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपनी भारत माता के लिए, ऐसे सच्चे सपूतों को दिल से सैल्यूट है जहां पे एक तरफ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कुछ लोगों के लिए पूरी कौम को भी बदनाम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। हमारे देश में बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, और हमारे देश का एक सरहद पे बैठा सिपाही, चाहे जिस मर्जी धर्म का हो, भारत माता की मिट्टी के लिए, उस तिरंगे के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है। तो कभी इस सब पॉलिटिक्स के चक्कर में आके इनकी शहादत को, इनके वीरगति को, इनके उस सर्वोच्च बलिदान को प्लीज़ मिट्टी में मत झोंको यार, ये नफरती बीज बोवो के। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सबसे नहीं पर कुछ लोग जो इस टाइप की हरकतें करते हैं, और दूसरी उनके पिताजी, इनके जो अब्बा जान हैं, वो कितने शेर दिल हैं, उनकी स्टेटमेंट सुनो, आपको और ज़्यादा गर्व होगा अपने भारत के एक सच्चे सिपाही पर, उसके पिता पे। इसकी शहादत पे आप क्या कहेंगे? आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से 1000 आदमी की जान बच गई, उस वजह से हमें बहुत खुशी है, 1000 आदमी की जान बच गई अपनी कुर्बानी, जिसके लिए हमें खुशी है। तो कितना फख्र कर रहे हैं? बहुत फख्र कर रहे हैं, पूरी बरादरी कर रही है, फख्र कर रही है। जान दे दी इसने, वापस नहीं आएगा, हमें फख्र है, हमें फख्र है, लड़ते लड़ते जान दे दी इसने। आखिरी बार कब बात है? 3 दिन पहले बहन की शादी, हमने बोला छुट। तो ये थे मकसूद अहमद साहब, मुदस्सिर अली शेख के पिताजी। आप क्या कहते हैं इस शूरवीर के बारे में, इसके पिताजी के जज्बे के बारे में, और जो पॉलिटिक्स है, जो सब चीज़ें चल रही है उसके बारे में, और ख़ासतौर पे इस घटना के बारे में जिसको कोई मीडिया ढंग से नहीं दिखा रहा, जो आपको अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से देखने को और सुनने को मिल रही है, किस तरीके से उस जिहादी मानसिकता वाले ड्राइवर ने हमारे जवानों की बस को यदि नदी में जानबूझ के गिराया, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, अलार्म है देश के लिए और सेना के लिए। ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की ताकत बनेगा, एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, जो खबर आपको कोई और नहीं दिखाता वो आपको सबसे पहले आपके इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो ख्याल रखिएगा अपने अपने जवानों का, वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा, खासतौर पर हर एक जवान के साथ, उसके परिवार के साथ, और आला अधिकारियों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।